दूसरों के मन में क्या है हम नहीं जानते, तो जो उनके मन में है वो करते हैं बोलते हैं, इसलिए हम उनकी ना सोच बदल सकते ना उनका बोलने का ढंग। गर्ल्स अपनी सेफ्टी खुद कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के कर सकते तो लड़के भी नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी बात। लगातार आपको कांवड़ यात्रा की वीडियो हम दिखा रहे हैं। अभी इस कांवड़ यात्रा में एक गुड़िया, एक दीदी जी मिली है जो कांवड़ लेकर जा रही है, तो मैं इन्हीं से वार्तालाप करता हूँ कहाँ से आए हैं। क्योंकि मैक्सिमम आपने लोगों ने देखा होगा कि एक पुरुष लोग या भाई लोग कांवड़ लेकर जाते हैं, लेकिन लेडीज में बहुत कम लेकर जाते हैं। तो बम बम बोलू भैया, बम बम बोले। क्या नाम है आपका? इशिका। इशिका कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। इससे पहले भी आप कांवड़ ले चुके? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है तो क्यों आपने ऐसा क्या मन में आया कि कांवड़ लेकर जाएं? इच्छा थी। इच्छा थी, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई इतना लंबा सफर, यहाँ से दिल्ली कितना दूर होगा? 240, मतलब 240 से समथिंग कहें तो 250 से, तो 250 किलोमीटर इतना लंबा सफर तय करना कितना चैलेंजिंग आपके लिए लगता है? चैलेंज नहीं है, एक मन होता है, इच्छा, दिल करता अपना वही। हाँ। सब तो मतलब ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं लग रहा, सब मस्ती हो रहा है? मस्ती भी नहीं, मस्ती भी कैसे मस्ती? हाँ। मतलब नॉर्मली। हाँ। अच्छा, तो क्या कोई खास मन्नते ऐसे रहते हैं कि चले भोले बाबा को कांवड़ लेकर जाएं, कि नॉर्मली ऐसे कोई किसी को देख करके आप आगे? देख करके नहीं, ऐसे भोले बाबा के लिए, मतलब कोई ऐसी कुछ खास विशेष नहीं थी? नहीं। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास पढ़ाई करते हैं? मेरी स्टडी कंप्लीट है, मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, आप जॉब करती हैं? अरे वाह, जॉब ऐसे नॉर्मल, आप जॉब करती हैं तो आपकी बहुत सारी कलीग होंगे। हाँ। तो कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि कहाँ आप कांवड़ लेकर जा रहे हो, जॉब कर रहे हो? एक्चुअली मैं दिल्ली में जॉब ही नहीं करती, आउट ऑफ दिल्ली। आउट ऑफ दिल्ली, यस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं। तो एक नॉर्मली बेसिक मेरा प्रश्न है कि जिसे क्या होता है कांवड़ यात्रा है। हाँ। उसमें मैक्सिमम कैसे मेल लोग आते हैं, पुरुष या लड़के ज़्यादा आते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं लगा कि हाँ हम इतना लंबा सफर और लोगों के बीच में आना जाना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के कर सकते तो लड़के भी नहीं कर सकते, ये मैं यही सुनना चाह रहा था। एग्जैक्टली, अगर लड़के कर सकते हैं तो आई थिंक समय लगता है लड़कियों में करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सफर अभी तक कैसा सफर रहा है आपका? अच्छा रहा। अच्छा रहा। वहाँ से हरिद्वार से कब चले आप? शाम को चले थे, परसों। शाम को, परसों। तो रास्ते में रुकना कोई परेशानी तो नहीं होता? नॉर्मली आप बेसिक अगर कहें गर्ल्स की सेफ्टी के लिए इस कांवड़ यात्रा में तो कोई कुछ नहीं होता इसमें? हाँ हाँ, गर्ल्स अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मतलब अगर इतना जा रहे हैं वो सेफ्टी है, ये सारी चीजें। एक नॉर्मली कांवड़ में आ रहा तो कोई गलत मन से नहीं आ रहा, अच्छे मन से ही आते हैं सब, तो गलत नहीं हो सकता ना। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि कांवड़ लेने भगवान के काम में आ रहे हैं, तो आई थिंक अलग सबके विचार शुद्ध ही होंगे। एक नॉर्मली प्रश्न रहता है कि लड़कियों को जैसे बहानेबाज बोलते हैं, होता है हम लोग ये जैसी है कि इसमें इस क्षेत्र में आना, कांवड़ लाना ले जाना, थोड़ा अलग ही पूरा एक वे बन जाता है। तो ये लोगों की सोच नहीं बदल सकते ना, जो हमारे मन में हम वो कर सकते हैं, दूसरों के मन में क्या है हम नहीं जानते, तो जो उनके मन में है वो करते हैं बोलते हैं, इसलिए हम उनकी ना सोच बदल सकते ना उनका बोलने का ढंग। क्या बात है, मतलब ये साथ में बोली जी थी, मतलब बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ थर्ड पर्सन की हम सोच नहीं बदल सकते, हम क्या है हमें पता है और वो क्या है वो उन्हें पता है। कब तक आप वहाँ पहुँच जाएंगे? मैक्सिमम अभी 4-5 दिन तो और लगेंगे। चलो, एक दिन में कितना सफर तय हो जाता होगा लगभग? इतना नहीं गिनते, जितना मतलब कि शरीर में हो, हाँ उतना चल लेते हैं। तो सारा दिन चलते रहते हैं? नहीं, रेस्ट भी करते हैं। रेस्ट भी करते हैं।